सिंह ने ये दावा किया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत नेचुरल नहीं बल्कि हत्या है। शुक्रवार को ये खबर इंटरनेट पर छाई हुई थी। श्रीदेवी की हत्या की बात सुनकर बोनी कपूर भड़क गए। उन्होंने इस मामले पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। बोनी कपूर ने कहा है कि मैं इन फालतू की कहानियों पर रिएक्ट करना नहीं चाहता हूँ। इस पर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह की कहानियाँ आती रहती हैं। ये किसी व्यक्ति की इमेजिनेशन है। आपको बता दें कि ऋषि राज ने कहा था, मेरे दोस्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर उमा दाथन ने बहुत दिनों पहले ही मुझसे कहा था कि श्रीदेवी की हत्या हुई है। उनकी मौत दुर्घटना से नहीं हुई है और ना ही नेचुरल डेथ थी। ऋषि राज ने कहा कि डॉक्टर उमा दाथन ने अपनी बातों के पक्ष में कुछ तथ्य भी रखे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान एक फीट पानी में डूब कर नहीं मर सकता, चाहे उसने जितनी भी शराब पी हो। वो तभी मरेगा जब कोई शख्स उसके दोनों हाथ और पैर पकड़कर सिर्फ पानी में डुबा दे। ऋषिराज अपने जिस दोस्त की बात कर रहे हैं उसका निधन हो चुका है। पिछले बुधवार को ही उनकी मौत हो गई है। वो 73 साल के थे और केरल के अस्पताल में भर्ती थे। वह केरल सरकार के सबसे भरोसेमंद केस सुलझाने वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। बता दें कि पिछले साल 24 फरवरी को दुबई के एक होटल में श्रीदेवी की मौत हुई थी। उनकी मौत बाढ़ ट्यूब में डूबने से हुई थी। कहा जा रहा था कि श्रीदेवी नशे में थी। श्रीदेवी दुबई में ही मोहित मारवा की शादी में गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए असल एंटरटेनमेंट।